कोई लोग जरूर जानता है इसे मल्टीमिलियनर बनना है और वो सोच को हमें भी डेवलप करना है। कोई ना कोई तो ऐसा शेयर आपको रखना ही पड़ेगा जो आपको अमीर करेगा सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करते हैं सर सुजलोन की और यस बैंक की। सर सबसे पहले बात करते हैं सर सुजलोन की, और मैंने काफ़ी आपको पहले भी मोटिवेट किया था सुजलोन के लिए कि कोई ना कोई बड़ा सा हाथ इसके अंदर ख़रीदारी कर रहा है, और वो ख़रीदारी कर सकता है तो वो बाद में उसे बेच भी सकता है और वो अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकता है सर। लेकिन वो एक मंशा ऐसी होती है कि जब गिरावट शुरू होती है वो आपको इसके अंदर से निकालना चाह रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इस लेवल पर फंसे हुए थे और उनको भी लगता होगा कि अब ये शेयर सर नीचे की तरफ आएगा। जरा सी मामूली सी गिरावट इसके अंदर हुई तो काफ़ी लोगों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। संभव है कि सब लोग डर जाते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा शेयर आपको रखना ही पड़ेगा जो आपको अमीर करेगा सर। मेरी बात सुनो, कुछ तो शेयर ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ उससे पैसे लेने की संभावना ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी बात शांत ध्यान रखना सर, क्योंकि शेयर मार्केट एक बड़ा समुंदर है सर, इसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं सर, उन मछलियों में से कई लोग इसके अंदर डुबकियां लगाते हैं और पैसे कमाने की सोचते रहते हैं कि, लेकिन उसके अंदर से कुछ मछलियां ही कामयाब हो जाती हैं। मैं आपको एक बताने वाला हूं, एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो सर, अगर आपको शेयर मार्केट में अमीर होना है तो कुछ ऐसे शेयर जिसका फ्यूचर अच्छा हो और जो फ्यूचर के लिए वर्क कर रहा हो, जिसका काम भी बहुत ही बेहतरीन हो और पूरा संसार उसके लिए लग गया हो, तो ऐसे शेयर को तो सर निश्चिंत होकर हमें छोड़ना चाहिए। और एक बात और सर, इस तरह के शेयर सर सबकी नज़रों में आते हैं, ये नहीं कि हमें ही दिख रहे हैं ये, लेकिन उसमें से जो धैर्यवान होते हैं वो इस शेयर के साथ आगे तक जाते हैं सर। ये सबके साथ होता है सर, ध्यान रखना, ये सब चीज़ सबके साथ होगी, लेकिन वहाँ पर जिसको प्रॉफिट जितना चाहिए वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रॉफिट बुक करता है, ध्यान रखना सर। वो प्रॉफिट बुक करता है वो भी सही है, क्योंकि उसको उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ क्वांटिटी जिससे हमें खोने का खतरा ना हो, यानी कि हमारे पैसे ज़्यादा ना लगे हों, उसको मल्टीबैगर भी हमें बनाना आना चाहिए। वो बनेगा सर इसको रखने के लिए ही। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से ये शेयर आज नीचे आया हो, सारी चीज़ प्रॉफिट बुकिंग है। और ये सोचने के लिए आपको मजबूर करना है कि इसमें तो सब कुछ बेकार है। अगर सर सब कुछ बेकार होता तो कल के दिन जो इसके अंदर इतना अच्छा कारोबार हुआ है और BSE NSE में जो इतनी अच्छी डिलीवरी होती है, वो सब डिलीवरी होती है सर, कोई लोग ज़रूर जानता है इसे मल्टीबैगर बनना है और वो सोच को हमें भी डेवलप करना है सर। जो कोई लोग जानता है ना सर, अच्छे लोग जो जानते हैं, तो अब हमें भी उस तरीके से वर्क करना है और इस शेयर को ज़रूर से ज़रूर रखना ही रखना होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, जब हम एक चीज़ अच्छी अच्छी करते हैं और उसे दोहराते रहते हैं तो एक दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाती है और उसकी वजह से आप दुनिया में छा जाते हो सर। अगर आप एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ा रहे हैं और उसके बाद आपके मन में आया कि नहीं अब मैं थक गया, मैं बस इतना ही बहुत है, तो आप पीछे हो जाओगे सर। आपने एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाया तो दो चार कदम आपके अच्छाई की तरफ लगातार बढ़ने चाहिए, कंटिन्यू बढ़ने चाहिए, क्योंकि कोई भी महान बल्लेबाज सर एक दिन में महान बल्लेबाज नहीं बनता, ध्यान रखना इस बात का। वो निरंतर प्रैक्टिस करता रहता है सर। प्रैक्टिस अच्छी चीज़ होती है और अच्छी चीज़ के लिए अगर प्रैक्टिस की जाए वो अच्छा आपको बना देती है सर। ध्यान रखना कि अगर आप निगेटिव चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपको निगेटिव में अच्छा बना देगी सर, यानी कि वो आपके अंदर इतनी निगेटिविटी भर देगी कि आप जहाँ भी जाओगे आपको हर चीज़ बेकार लगेगी। और अगर आपने पॉजिटिव की तरफ कदम बढ़ाया और आप जहाँ भी बेकार जगह जाओगे उसे भी आप अच्छा कर दोगे। तो ध्यान रहे, जब भी आपको कुछ चीज़ करनी है अच्छे के लिए करनी है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुजलोन एनर्जी का अगर शेयर 5 पैसे भी अगर नीचे गिरा तो उससे क्या हुआ, फर्क क्या हुआ कि हम इतने विचलित हो गए सर। मैं मान रहा है सर ये 6 रुपये में आ जाए दोबारे, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये शेयर 6 रुपये में आए दोबारे, इसे हम फिर खरीद लेंगे सर। इस शेयर को छोड़ना नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, जब तक कि इसके अंदर सब कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है। देखो सर, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती लेकिन उसकी न्यूज़ भी तो आनी चाहिए कि इसके अंदर ये चीज़ें हो गई है।
वो अच्छा वर्क कर रहा है। तो मेरे मानना है सर, इसको आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी देखो ध्यान रखने सर, अगर आपको रखने की क्षमता नहीं है आपके अंदर तो कल ही बेचो फिर इसको। लेकिन आपके अंदर आपको पैसे कमाने की क्षमता ज़्यादा है तो कुछ शेयरों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और आपके पास डीमैट अकाउंट सर 2 से 3 होने चाहिए। एक डीमैट अकाउंट तो आपको भूल जाओ, उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी रखते रहो, छोड़ते रहो। अगर आपको ये चीज़ें, आपको ये सूत्र नहीं पता है, ये फॉर्मूला नहीं पता है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो आप मेरे से कॉलिंग में बात कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे डीमैट अकाउंट खोल के किस तरह से उसमें आप अपना प्रॉफिट को उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। सर ये बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब सिखा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है सर, सुझ लोन में देखो सर, मैं आपको आइडिया में भी कह सकता हूँ कि रख लो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी जो आइडिया की स्थिति है वो इस तरह की नहीं है कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं सर। वैसे आइडिया में आज हमने बाइंग की रही है। आपको एक चीज़ और बता दूं सर मैं, कि सुजलोन में बिल्कुल अच्छी वाली नज़र सर, निगेटिव चीज़ तो सर रामायण जब हुई थी उसके अंदर भी निगेटिव लोग बहुत आए थे। निगेटिव लोग तो सर रामायण में भी आए थे, वो तब भी रामायण बन गई थी बाद में अच्छी, तब भी अच्छे लोगों की पूछते हैं सर। समझो सर इशारों को समझ कर आपको इसके अंदर काम होगा। सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आपका मोटिवेट जाग सके कि सुजलोन एनर्जी में कोई बड़े लोग किसी ने इसके अंदर अपनी जरूर इस नज़र रखी है, या कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि जो इसके अंदर इतना वॉल्यूम बनता जा रहा है सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। यस बैंक मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था, एक दिन पहले परसों जो वीडियो बनाई थी मैंने कहा कि कल जो तेज़ी आएगी, और वो तेज़ी अच्छी वाली तेज़ी नहीं मुझे लगी, क्योंकि अगर वो की वजह से तेज़ी होती तो अपर सर्किट शेयर मार देता। और मैंने कल भी एक वीडियो और बनाई थी यस बैंक में, जिसमें मैंने कहा था कि अगर यस बैंक का शेयर थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद शेयर नीचे की तरफ आए, जो शेयर नीचे की तरफ आया जो मैंने आपको कल बताया था, तो उससे विचलित नहीं होना। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ सर, 12 रुपये का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं, और 15 जैसे इसने पार कर दिया सर, मैं आपको बता रहा हूँ 15 रुपये को इसने क्रॉस किया तो ये आपको फिर 1920 रुपये में मिलेगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, ये शेयर 19 से 20 रुपये ज़रूर जाएगा आपको विचलित करके। और 19-20 रुपये में वो लोग निकल जाएंगे जो लोग इसके अंदर माल दबाकर बैठे थे और कह रहे थे बस कब तक ये हमारे प्राइस पर आए और हम इससे बाहर निकलें। तो लोग सोचेंगे कि इसे 19-20 में हम बेच देंगे, फिर से नीचे खरीद लेंगे, ये फिर नीचे ही नहीं आने का, ध्यान रखना मेरी बात सर। यस बैंक प्रगति की ओर है। अगर इसने 15 से 19 20 के आपको लेवल दिखाए और 21 तक ये पहुंच गया, ये दोबारा 19 पे आ जाएगा, फिर उससे नीचे नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं जो वो इसमें नहीं होता, और बार बार जो चीज़ दोहराई जाती है वो कभी ना कभी इसके अंदर एक बार नहीं होती। जिस शेयर को ऊपर बढ़ना होता है सर, वो 2-4 बार आपको टच करके ऊपर फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर टच करेगा फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर वो दोबारा टच करेगा, आप सोचोगे ये फिर दोबारा नीचे आएगा और आप अपना माल बेच दोगे, ये फिर दोबारा नीचे नहीं आएगा, ये फिर आपको 25 से 30 के लेवल दिखाएगा। इसे ही कहते हैं शेयर मार्केट। और यस बैंक में सर मैंने आपको बताया था, आपको जो इसके अंदर फंड ये ला रहे हैं आपको वो देखना है, और कुछ भी चीज़ नहीं देखनी है कि ये किस माध्यम से ला रहे हैं। हमने यह शेयर लिए हैं तो उसको सजाकर अपने शेयरों को तिजोरी में रखो अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, और इसी से ही सोच से आपको डेवलप करना है। तो सुजलोन में आपको मैं फिर बता रहा हूँ सर, गिरावट कल को भी हो जाए भले, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपके हाथ से शेयर गया तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप ज़रूर से ज़रूर पछताने वाले हो। लेकिन आपको माल उतना ही रखना है जितना आप इसके अंदर से अपना नुकसान को झेल भी सको, क्योंकि एकदम तो ये मल्टीबैगर नहीं बनेगा सर, क्योंकि कुछ चीज़ें मल्टी बैगर एकदम नहीं बनती, वो जब बनती है जब उसके अंदर से पब्लिक बाहर हो जाती है। तो पब्लिक बाहर होने का नतीजा रखिए, 100 पब्लिक किसी शेयरों में लगी है और उसमें से सिर्फ 10 पब्लिक ही अमीर होती है और 90 लोग उसके अंदर से अपना मनोबल तोड़कर निकल जाते हैं। तो 10 लोगों में अपनी पहचान बनानी है, 10 लोगों में अपना नंबर लाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और 90 की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, हमें तो 10 के अंदर अपनी पहचान बनानी है और अमीर बनना है। साथ साथ अमीर बनेंगे और अच्छी तरह अमीर बनेंगे, और इसलिए हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।